गाइस सारा इल्जाम समरीन पे आ रहा है कि ये लेट कर रही है, तो सीधा ट्रेन छूटेगी और नो आगरा ट्रिप। मैं आ गई हूं अपनी ट्रेन के पास। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सुबह हुई है। गाइस अभी हम सब पहुंच चुके हैं आगरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं जाने वाली हूँ आगरा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया ही था, आज अभी जाने वाली हूँ, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे काम भी है भाई। तो उससे पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ अपनी, और मैं आपको दिखाऊंगी मैं पैकिंग करते में क्या क्या रख रही हूँ अपने लिए, तो वो सारा कुछ भी दिखाऊंगी। और मैंने अपने कपड़े भी ले लिए हैं जो कि मुझे दिखाने हैं आपको, और मैंने लास्ट ब्लॉग में शॉपिंग की थी तो वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो वो भी मैं इसमें दिखा दूंगी। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। तो ये है कुछ कपड़े, मतलब हमने सब कुछ निकाल कर यहाँ पे रख दिया है, और अभी हम उसको ट्रॉली में डालेंगे। और ये माइक जरूरी है ले जाना, ये माइक नहीं होगा तो हमारी ट्रिप खराब हो जाएगी। और यहाँ मेरी वीडियो की एडिटिंग चल रही है, देखो ये आ जाएगी। तो हम ये छोटी ट्रॉली ले रहे हैं, ये वाली, और इसमें हमारे सारे कपड़े आ जाने चाहिए। वैसे तो मुझे तो लग रहा है आ ही जाएंगे, वैसे अम्मी आ जाएंगे क्या यार, बहुत छोटा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, फिर अभी हम इसमें कपड़े डालते हैं सारे। तो गाइस मैं आपको सीधा तैयार होने के बाद मिल रही हूँ। यहाँ पे इतने ब्लॉग चल रहे हैं ना कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ, और अभी मैं आपको पूरा आउटफिट अपना दिखाती हूँ। भाई मैं तो बहुत ज्यादा, लोग इतना लेट वेट हो चुके हैं ना कि बिल्कुल दिमाग से कुछ चल ही नहीं रहा दिमाग कि क्या करें। बस यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, स्टेशन पहुँचना है। गाइस सारा इल्जाम समरीन पे आ रहा है कि ये लेट कर रही है। चलो यार सब छूट के चले गए यार, सब जल्दी गए यार, मुझे चली चली चली। चलो अब कासा को जाया जा रहा है छोड़ के। तुम लोग मुझे छोड़ कर क्यों जा रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। बाय कासा, आगरा की ट्रिप एंजॉय करना और जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। निकल चुके हम घर से, कुछ दूर चल के आ चुके हैं हम आगे। हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर, और सुबह के बजे अभी 5, और नींद भी बिल्कुल मैंने अभी पूरी कर ली थी और मैं उठ गई थी बिल्कुल आराम से। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि हमारे ड्राइवर ने हमें धोखा दे दिया लास्ट टाइम पे, और हम उसको कॉल करते रह गए लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, और वो सो रहे होंगे शायद। तो अब हम कैसे जाएंगे, तो हम कैब से जाएंगे, लेकिन कैब का कुछ पता नहीं है कि क्या लेट हो जाए, कुछ हो जाए। अभी हमें ट्रेन में लेट अगर हम हो गए तो सीधा ट्रेन छूटेगी और नो आगरा ट्रिप। यार वो लोग पीछे कितना दूर से आ रहे हैं यार, चल ही नहीं रहे, इतने आराम आराम से चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैंने घर पर कुछ छोड़ भी दिया है, पता नहीं। हम चलते चलते ही इतनी दूर तक जा रहे हैं। तो अब हमारी कैब आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार नहीं आ पाई हमारी, तो अब देखते हैं हम कितनी जल्दी पहुंचते हैं स्टेशन। पता नहीं हमें लेट होता है क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। ट्रिप का पता नहीं है कि जाने भी वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, पता नहीं। बहुत गर्मी लग रही है और सुबह भी होने वाली है, देखो बिल्कुल हम रात को निकले हैं। चल अब बैठते हैं और चलते हैं। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गए, मतलब हम लोग लेट हो गए अपनी ट्रेन के लिए, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। सबसे पहली ट्रिप थी हमारी जब हम लोग यहाँ पे रुके थे, याद है? मैं आ गई हूँ अपनी ट्रेन के पास। ये है मेरी ट्रेन 24 आवर्स के लिए। आगे है, मतलब हमारी सीट बहुत आगे है और हमें चल के जाना पड़ रहा है इतनी दूर तक। भाई समझ में नहीं आ रहा है यार, पैर में दर्द हो गया पूरे चलते चलते। ओ वाओ यार कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। यार शांति मिली बाहर से। तो हम लोग अभी ट्रेन में सीट पर अपनी बैठ गए हैं, हमने सीट चेंज करी अपनी, जो यहाँ पर बैठे थे उनको हमने अपनी सीट पर भेजा, क्योंकि सब लोग इधर उधर हो रहे थे इतना, और यहाँ पे इतना शोर भी हो रहा है आज। हम लोग जब जयपुर बैठे तब इतना शोर नहीं हो रहा था जितना आज हो रहा है, और जितने लोग आज हैं, हो सकता है कि आगरा जाने वाले लोग ज्यादा हो और जयपुर जाने वाले थोड़े कम थे, कुछ भी कह सकते हैं। और मुझे बहुत भूख भी लग रही है यार, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी तो शायद कुछ खाने को मिले भी नहीं, ट्रेन चल भी नहीं रही है यार, रुकी हुई है कि जगह पे बताओ। और यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, ये देखो हमारे ही सारे लोग।
अभी मुझे एक व्लॉग भी एडिट करना है जो कि एडिट करके मुझे डालना है। पता नहीं क्या चीज़ कैसे होने वाली है, कुछ नहीं पता मुझे। और मैंने आपको अभी तक अपना आउटफिट भी सही से दिखाया, मैं दिखा दूंगी अभी आपको। वो ट्रेन चलने वाली है, रुको रुको मैं दिखाती हूँ। ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई। हम जा रहे हैं दिल्ली से बहुत दूर, इनसे दुबई जा रही है लाली। लाली इसको इसको ना पूरे आगरा के ट्रिप पर लाली बुलाएंगे, ठीक है लाली। ये क्या चार्जर वार्जर नहीं चलता क्या यार? आप इग्नोर कर रही है, इधर लगा। देखो इसका तो फोन ही बंद है, फोन बंद है, मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सुबह हुई है, बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुबह देखने में। ये देखो, ये देखो मुझे इनको मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मेरी ऐसी छोटी छोटी बातों में ना हंसती रहे और बहुत देर से कुछ खाने पीने की चीजें। तो यहाँ हमारी टिकट भी चेकिंग हो गई है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये देखो मैं एडिट कर रही हूँ, अभी एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर सबके लिए चाय आई है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ ट्रेन में मैंने क्या एक ऐसी चीज़ देख ली जिसके बाद मुझे लगा कि ये तो आपको दिखाना ही दिखाना चाहिए। देखो इधर देखो, मेकअप करके बैठ के वही पब्लिक में सब लोग देख रहे हैं, पता है। देखो तो जब तक मैं जाके अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा चैलेंज चल रहा है, जैसे आपको पता था अभी व्लॉग आ जाएगा और फिर ये व्लॉग कल भी आएगा। चलो काम करते हैं। कितना सारा मेकअप फैला पड़ा है और साथ ही मैंने अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर दी है और मुझे भूख भी लग रही थी बहुत। तो देखते हैं खाना कब तक आता है और मैं अपनी वीडियो जब तक एडिट कर लेती हूँ। इस वीडियो एडिट करते करते ही सारा टाइम निकल रहा है का, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। एडिट करवा रही है, मैं भी अपना व्लॉग करवा रही हूं, लेकिन इसने किया नहीं अभी तक, झूठ बिल्कुल भी नहीं करा, थोड़ा किया बात, बस अपने ऊपर वो करवाना आता है कि बस क्रेडिट ले लो। ऑमलेट और कटलेट खाला। अभी हम मथुरा पहुंच चुके हैं, मथुरा पहुंचने के बाद आप यहां का थोड़ा सा व्यू देखो और अब मैं करने वाली हूं टाइम नैप स्टार्ट। 3 2 1 देखो। अभी हमारे लिए आया है ये खाने के लिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है इसके अंदर। मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है और ये मेरे लिए अलग मैंने बुक करवाया था कि मुझे कुछ स्पेशल देना ट्रेन वाले अंकल, उन्होंने कुछ अलग सा बनवा कर दिया है मुझे। कटलेट एंड इसमें ब्रेड है, बटर वाला ऑमलेट मंगवा लूंगा। ला दो एक ऑमलेट, ला दो। तो ये ऑमलेट है जो कि बिल्कुल कच्चा है, इसके साथ में ब्रेड है, दो ब्रेड और ये कटलेट, कटलेट ये ऑमलेट। अम्मी क्या हो रहा है? कच्चा 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 तो ऑमलेट मंगा ली थी। और काजल ठीक हो? बस पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर। तो गाइस अभी हम बैठे हुए थे ट्रेन में और एकदम से हमें पता चला कि वक्त बदल गया, कि हम आगरा आ गए, मेरे साथ आगरा आ गया, आगरा आ गया, आगरा आ गया, आगरा आ गया, फिर आगरा का डेस्टिनेशन आ गया। इसको पागल खानी छोड़ गया, ऐसे कैसे इतनी जल्दी आगरा आ सकता है यार। लगता था कि अभी हमारा सफर शुरू ही हुआ है, सफर खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं और उतरते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत कम देर के लिए रुकेगी। चलो चलो चलो, अभी यहाँ पर मिलते हैं कि यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और ट्रेन से उतरने वाले हैं। ट्रेन की बहुत याद आएगी यार, लेकिन खुशी इस बात की कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, आ गए हम आगरा। खुशी हो रही है बहुत, आगरा आ गए। मुझे तो लग रहा है मुंबई पहुंच गए। चलो 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 उतरते उतरते। इंडियन रेलवेज जो है वेलकम कर रहा है हमारा अभी आगरा में, और आगरा के लिए आगरा वाले लोग हमारे लिए थाल लेकर खड़े हैं। गाइस अभी हम सब पहुंच चुके हैं, तमरीन पहुंच चुकी है आगरा, अकेले अकेले नहीं अपनी पूरी फैमिली के साथ। मैं सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, अभी बज रहे हैं सुबह के 8, यकीन नहीं आ रहा कि मैं आगरा आ गई हूँ। हम लोग इतनी सुबह उठते तक नहीं है और ट्रेन से निकलकर हम लोग आगरा तक पहुँच गए, बताओ। यकीन नहीं आ रहा सच में यार, यकीन नहीं आ रहा कि सुबह के 8 बज रहे हैं हम लोग आगरा पहुँच चुके हैं। और 8 ऐसा लग ही नहीं रहा कि 8 बजे, मुझे लग रहा 12-1 बजे। वही तो यार, हम लोग इतनी सुबह तो कभी उठते तक नहीं है, आज ट्रिप कर रहे हैं बताओ।
यहाँ पर सब लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कैब की। क्या हुआ है इनको, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? मेरे को वॉशरूम जाना है, ट्रेन में लाइन लगी हुई थी, मैं नहीं जा पाई। अरे यार शिट यार, और ये वॉशरूम ही गई थी कि हम आगरा पहुंच गए? हाँ सही हुआ, ऐसा ही हुआ। हाँ मैं समझ गई हूँ। तो अब इनको बहुत तेज का आया है और होटल तो जाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ कहाँ ही जाएंगे भाई। तो और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से पहुँच जाए फिर। हाँ भाई यहाँ पे आई लव आगरा भी है, यहाँ पे हमें फोटो क्लिक करवानी चाहिए लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर हमें दिखा है आई लव आगरा। आगरा अच्छी है यार जगह, अभी तो हम उतरे ही हैं तो देखकर अच्छा लग रहा है।